नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा टीवी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जनपद शामली के खेड़ी करमू स्थित गत 28 मार्च को अजय उपाध्याय की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसकी मदद के लिए उपाध्याय चेतना मंच संगठन का प्रतिनिधि मंडल शनिवार को मृतक की पत्नी संगीता देवी से जाकर मिला। संगठन के माध्यम से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मौके पर ही संगठन ने चेक के माध्यम से आर्थिक मदद दी कि मृतक के दो छोटे बच्चे 3 वर्ष व 5 वर्ष के हैं। समाज ने बालिक होने तक उनको शिक्षा के माध्यम से मजबूत करने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष संजय उपाध्याय ने बताया कि संगठन ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आर्थिक मदद कर रहा है। जिन बच्चों के ऊपर से कम उम्र में उनके बाप का साया चला गया, जो आर्थिक रूप से गरीब है, ऐसे जरूरतमंद परिवारों के भविष्य में भी समय समय पर संगठन शिक्षा के लिए आर्थिक हर संभव मदद करता रहेगा। प्रदेश सचिव श्रीमती संजोग पुंडीर उपाध्याय ने कहा कि संगठन ने एक माह के अंतराल में जनपद मेरठ के गांव बामणौली में मृतक राहुल उपाध्याय के बच्चों की व जनपद गाजियाबाद के जगतपुरी में मृतक कपिल उपाध्याय के बच्चों की भी शिक्षा के लिए संगठन ने आर्थिक मदद की है। प्रदेश सचिव श्रीमती सोनिया उपाध्याय नागवानन ने कहा कि उपाध्याय चेतना मंच संगठन समाज के गरीब बच्चों की शिक्षा के साथ साथ समाज के व्यक्तियों पर हो रहे अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ भी संगठन आवाज उठा रहा है। इस दौरान प्रदेश सचिव श्रीमती संजोग उपाध्याय पुंडीर, समाज सेवी पूर्व वायु सैनिक कृष्णपाल उपाध्याय, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष ललित कुमार उपाध्याय, हापुड़ जिलाध्यक्ष मंजीत उपाध्याय, शामली जिलाध्यक्ष जसबीर उपाध्याय सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। हमारे संगठन का उद्देश्य यही है कि हम अपनी जो हमारे उपाध्याय चेतना मंच का वो है, हमारे अपनी जो कास्ट है, उसके लिए सभी दुख सुख में भागीदार रहें और जो इस तरह की कोई घटनाएं हैं उनमें जाकर उन हमारा सहयोग करना, बच्चों की मदद करना, बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना के लिए उनकी आर्थिक सहायता करना। और आगे भी हर साल हम ऐसा नहीं है कि बीच में भी कोई इस तरह का कोई अगर उनको जरूरत है किसी भी तरह की, हमारे अध्यक्ष जी हैं श्री संजय उपाध्याय चेतना मंच, उनसे संपर्क करें, हम तन मन धन से उनके साथ हैं। धन्यवाद। जो हमारा उपाध्याय चेतना मंच संगठन है उत्तर प्रदेश पर, आज हमारी पूरी टीम, ये जो हमारे अजय उपाध्याय हैं, 28 मार्च को इनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और इनके दो छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा जो है 3.5 साल का है लक्ष्मी उपाध्याय, एक बिटिया है वाणी उपाध्याय। आज हमारा संगठन पूरे प्रदेश भर के अंदर ऐसे गरीब बच्चे जिनके बाप का साया चला गया, उनकी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए आर्थिक मदद पूरे प्रदेश भर में कर रहा है। आज हमारा यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि आज हमने लक्ष्मी उपाध्याय और जो वाणी है इनको शिक्षा के लिए थोड़ी मदद की है, और ये भी है कि हर वर्ष ये संगठन इन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करता रहेगा। इससे अलग भी हमारे जनपद मेरठ के अंदर गांव बामडोली है, वहां राहुल उपाध्याय की एक्सीडेंट में दुर्घटना में मौत हो गई थी, उनके बच्चे पार्थ उपाध्याय, विभान उपाध्याय, वहां भी हमारे संगठन ने आर्थिक मदद की है। इसके बाद गाजियाबाद जिले में हमारे हापुड़ के जिला अध्यक्ष हैं मंजीत उपाध्याय, जगतपुरी में कपिल उपाध्याय की एक्सीडेंट में जो है मौत हो गई, वहां भी आर्थिक मदद की है। हमारा संगठन का उद्देश्य है कि जो ऐसे बच्चे हैं समाज में गरीब हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए हमारे मास्टर धनप्रकाश जी, सतपाल जी, प्रदेश सचिव संजोग पुनीर जी, प्रदेश सचिव सोनिया जी नागवान, सभी हमारे साथ।